नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट मंथ स्पिरिचुअल और आपके साथ मैं हूं रीना। मान्यता है कि जो पुण्य श्रद्धालु को सभी तीर्थ करने से मिलता है उसे कहीं अधिक गंगा सागर की तीर्थ यात्रा एक बार करने से मिल जाता है। इतना ही नहीं, गंगा सागर स्नान से 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। सभी तीर्थों में गंगा सागर को बेहद खास महत्व दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गंगा सागर स्नान जैसा पुण्य अन्य किसी तीर्थ से नहीं मिलता है। दरअसल गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में पौष मास के में लगता है। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आगे जानते हैं कि गंगा सागर तीर्थ क्यों खास है। गंगा सागर तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता है कि जो पुण्य श्रद्धालु को कभी तीर्थ करने से मिलता है उससे कहीं अधिक गंगा सागर की तीर्थ यात्रा एक बार करने से मिल जाता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे लगता है। यहाँ गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है, इसलिए इसे गंगा सागर कहा जाता है। वैसे तो गंगा सागर मेला 8 जनवरी से शुरू हो चुका है, लेकिन 14 जनवरी के दिन इस मेले में बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा सागर में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। इस बार गंगा सागर स्नान मेला 26 जनवरी तक रहेगा। मकर संक्रांति पर गंगा सागर स्नान का पौराणिक महत्व भी है। कहते हैं कि जब गंगा शिवजी की जटा से निकलकर धरती पर बहते हुए ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची थी, वह मकर संक्रांति का दिन था। माना जाता है कि इस दिन माँ गंगा कपिल मुनि के श्राप के कारण राजा सागर के 60,000 पुत्रों को सदगति प्रदान करके सागर में मिली थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।